हे गाइस, वेलकम बैक टू 39 एपिसोड ऑफ पोकेमोन ग्लेस। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ब्लैक थॉर्न सिटी आ चुके थे एंड उसके बाद हमने जिम चैलेंज करने के लिए गए थे, बट वहाँ का जो गेट कीपर था वो बोला कि क्लेयर अभी बैटल नहीं कर सकती क्योंकि जो लांस है उसकी तबीयत ख़राब है यार, ऐसा कुछ तो बोल रही थी। तो वो तो छोड़ो, उसके बाद अगर आपको याद आएगा लास्ट एपिसोड में एक ड्रैगनाइट अपने पास आया था जिसने हमें इनविटेशन कार्ड दिया था, जो कि था एक इनविटेशन कार्ड न्यू आइलैंड आने के लिए। तो आज के एपिसोड में हम लोग न्यू आइलैंड जाने वाले हैं, और अगर आपको न्यू आइलैंड नाम सुन के अगर कुछ याद आ रहा है तो जी हाँ, ये वही आइलैंड है जहाँ पे हमें म्यूटो मिल सकता है। तो आई थिंक आज के एपिसोड में हमारा म्यूटो के साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो वही मैं करने वाला हूँ। और उससे पहले अगर म्यूटो आने वाला है तो हमें उसको पकड़ने के लिए ट्राई करना ही पड़ेगा, और इसलिए हम लोग इस बार ट्राई करने वाले हैं। बहुत सारे पोकेबॉल्स खरीद लेता हूँ, पोकेबॉल्स नहीं अल्ट्रा बॉल तो लगेंगे ही मेरे को, क्योंकि पोकेबॉल में तो आने नहीं वाला। एक मिनट यार, अल्ट्रा बॉल ख़रीदने के लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, गोल्डन रॉड सिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे है ना वो बहुत सारे, वहाँ पे तो एक ये भी है ना पूरी की पूरी शॉप है। तो गोल्डन रॉड सिटी पहले जाते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, यहाँ पर मार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे गाइस, क्योंकि पता नहीं अगर म्यूटू को पकड़ने का चांस मिला तो मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमोन है और हमारे टीम में काफ़ी अच्छा ये हो सकता है। तो अल्ट्रा बॉल हमारे पास 3 ही थे, तो हम लोग और 10 खरीद लेते हैं गाइस, इतने में आया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। और बस अरे भाई सामने से हटना यार, क्या इनको तकलीफ़ क्या होती है। तो चलो अभी रिटर्न जाते हैं ओलिवाइन सिटी में, वहाँ से हमें नीचे जाना है, वहाँ से हमें कुछ तो शिप या फिर इनविटेशन कार्ड तो मिला ही था ना गाइस, तो कोई ना कोई तो हमें लेके जाएगा ही। बट अगर मूवी में याद करें तो मूवी में वो लोग सर्फ करके जाते हैं पानी के अंदर से खुद, मतलब अगर आपने मूवी देखी रहेगी तो आपको पता ही रहेगा, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता। पहले हम लोग हमारे पोकेमॉन चेक कर लेते हैं, हाँ तो सब सही है, मतलब सही प्रकार के है पोकेमॉन। और तो चलो यहीं से जाना पड़ेगा ना, यहीं पर तो बोट होती है यार, यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं शायद से। वी करंटली हैव शिप्स रनिंग टू कैंटो टू रैंकोर, ओके। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है जैसे एनीमे में दिखाया था, मतलब जैसे मूवी में दिखाया था। द वाटर इज टू चॉपी टू सर्फ ऑन, प्री हैव्स डाइविंग अंडर वाटर वुड यू बी इजियर, ओके। तो अभी हमें डाइव सिखाना पड़ेगा किसी पोकेमोन को, ओके। डाइव था मेरे पास, जी हाँ ये रहा डाइव। तो अभी हम लोग ये किसे सीखा है, ऑब्वियसली पिकाचू भी सीख सकता है, उसी के साथ साथ फेरालीगेटर भी सीख सकता है, तो मैं पिकाचू को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि गाइस पिकाचू को डाइव सिखाना मतलब पता है ये पिकाचू कोई भी एचएम सीख सकता है या फिर टीएम सीख सकता है, बट फिर भी हम लोग हटाने वाले हैं। बाइट तो नहीं हटाऊँगा क्योंकि गाइस बाइट का हमारे पास कोई टीएम नहीं है। हम लोग आइस भीम हटा देंगे क्योंकि आइस भीम का टीएम है, तो हम लोग फिर से सिखा सकते हैं मूव डिलीट करके। यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी आइस बीम हटा देता हूँ गाइस और ये सिखा देता हूँ। और एक मिनट, हमारे पोकेमोन एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सब सही है। चलो तो अभी हमने डाइव तो सीख ही लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी में जंप करेंगे और ओके। तो हम लोग फिर से वो क्या नाम था इस पोकेमोन का, कुछ तो था, छोड़ो कमेंट में मत बताना, मैं नहीं पूछ रहा हूँ पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैक्स रिपेल तो मारना ही पड़ेगा गाइस, पानी में बहुत ये होते हैं, मैक्स रिपेल यूज़ कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है कि पानी में जो पोकेमोन है ना, मतलब जो भी सर्फ करता है वो बहुत ही स्लो होता है, बट क्या बोल सकते हैं, मतलब अभी अंडर वाटर ये गेम में अपने को क्या क्या मिलना है देखने को, मतलब मानना पड़ेगा इस गेम के डेवलपर को, क्योंकि इस गेम में बहुत सारे इवेंट है। अगर इसमें रियली में न्यू आइलैंड में म्यूटी हो, मतलब म्यूटू हुआ ना गाइस, हो गई आई थिंक, क्योंकि न्यू आइलैंड में तो म्यूटू ही था, तो गाइज मानना पड़ेगा इस गेम के डेवलपर को, क्योंकि इतने कम एमबी में इसने मतलब क्या गेम बनाया है। यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से, और हम लोग आ चुके हैं न्यू आइलैंड में, ओके। यहाँ पे क्या कुछ लिखा है क्या, न्यू आइलैंड, बस न्यू आइलैंड ही लिखा है, ओके। यहाँ से हम लोग टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, ओके, काफ़ी अच्छी बात है। द साइन इज स्मज्ड कैटला, क्या मेरे को नहीं समझा कुछ। चलो तो हम लोग यहाँ पे आगे जाते हो कि यहाँ पे एक पोकी बॉल है तो हम लोग वो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से रास्ता है, ओके। ब्लैंक सीडी, अभी ये तो वहाँ पे भी थी ना, बट उस टाइम हमारे बैग में जगह नहीं थी, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे। ब्लैंक सीडी का कोई यूज़ होगा मेरे को बता देना कमेंट्स में भाई,
यहाँ पे आगे आगे जाने का है। रिपेल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे म्यू टू यू अराइव्ड, द मैसेज यू रिसीव वॉज नॉट फ्रॉम द लीक बट फ्रॉम मी। आई नो यू हार्म यू, हश, आई डोंट केयर वाई बट यू डिड। आई हैव कॉल्ड हियर टू शो वॉट यू डिड। डिफेंड योर सेल्फ एज यू मे एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर पेन। मतलब मैंने तो म्यू को कुछ किया ही नहीं, बट ये फिर भी आ रहा है तो ओके। पोकेमोन म्यू टू वुड लाइक टू बैटल। ओके, ये एज अ ट्रेनर लड़ेगा, मेरे को लगा वाइल्ड। 73 लेवल का टाइफ्लोजन, ओके गाइज, ये तो सेम मूवी जैसा ही है। मतलब मूवी में भी तो हमारे क्लोन होते हैं और यहाँ पे भी हमारे क्लोन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग अर्थक्वेक यूज़ करेंगे इसके ऊपर, ऑब्वियस ही बात है। आधा ओके, बस तू अर्थक्वेक यूज़ कर, मत करना फ्लेम थ्रोवर। ओके, जो कि मेरे को ज़्यादा कुछ अटैक करने नहीं वाला। एक और अर्थक्वेक और इसको तो हम लोग खा ही जाएंगे, लिटरली खा जाएंगे हम लोग। ओके, तो ये उन्हीं पोकेमोन को लाएगा जो हमारे पास है, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज है देखा जाए तो। और एचपी भी का मतलब सॉरी एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन हो रहा है। अभी फेरालीगेटर को लाने वाला है, तो हम लोग फेरालीगेटर के लिए हम लोग लीफियन को भेजेंगे गाइस, क्योंकि अगर याद रखे तो मैंने मेरी आइस बीम डिलीट मतलब आइस बीम मैंने हटा दी थी, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास भी वो आइस बीम नहीं होगी। देखो गाइज मैं कितना स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा हूँ। आइस बीम होती तो मैं लीफियन को नहीं भेजता, बट मुझे याद है ना मैंने आइस बीम डिलीट कर दी थी, मतलब डिलीट नहीं चेंज कर दी थी। नहीं, ओके, ये खुद के मूव्स यूज़ कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक डर है, बट क्या फिर एलिगेटर खुद के मतलब टाइम टू टाइम खुद सीख जाता है क्या? नहीं, सीखता। ओके, को तो कोई बात नहीं, आइस बीम तो इसको सिखाने पड़े थे, तो फिर भी कोई डर नहीं है मेरे को यहाँ पे। ओके, इसी के साथ हमने फिर एलिगेटर को तो हरा दिया। ओके, अभी कौन सा आ रहा है? लीफियन, लीफियन के सामने लीफियन मैं नहीं रखने वाला, हम लोग टाइफलोजन के साथ जाएंगे। देखा जाए तो ये इजी बैटल रहेगी, क्योंकि गाइज हमारे टीम में सारे टाइप के पोकेमोन हैं, तो उनके वीकनेसेस भी हमारे सामने है।
हमारे पास फेरालीगेटर था बट क्या करे। कोई नहीं, पिकाचू के साथ जाते हैं। वोल टैकल तो है ही, और चारिज़ार्ड एक फ्लाइंग टाइप भी है अगर आपको याद हो तो। ड्रैगन रेज, अरे रे कुछ होगा नहीं, सिर्फ 40 हमारा जाएगा। आई थिंक आधी एचपी तो जाएगी हमारी, हमारी आधी तो जाएगी और इसकी भी आधी से ज़्यादा ही जाएगी। अरे ओके, हमने किल ही कर दिया इसके। ओके बट एटलीस्ट हम लोग सर्वाइव तो किया, ये अच्छी बात है। इसी के साथ हमने हमारी पूरी टीम को हरा दिया है गाइस। म्यू टू कुछ बोला नहीं। ओके यूजलेस क्लोन्स, आई विल सिंपली हैव टू बैटल यू माई सेल्फ। ओके तो अभी ये खुद लड़ेगा हमारे साथ, तो शायद से अभी हम लोग इसको कैच कर सकते हैं। वाइल्ड म्यूटू, ओके वाइल्ड लिख क्या है मतलब पकड़ सकते हैं, और ये लेवल 60 का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, हम लोग यहाँ पे गेम सेव कर लूँगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग को इसको कुछ भी करके पकड़ना ही है आज के एपिसोड में। तो मैं नहीं चाहता कि ये हमें हमसे मर जाए, तो मर जाएगा तो हम लोग इसको रिटर्न बुला लेंगे। ये कोई चीटिंग नहीं है गाइज, पहले ही बता रहा हूँ। लास्ट विसल अगर ये खुद को, अरे रे मिस्ट में डाल दिया। मिस्ट से क्या होता है गाइस, अटैक मिस हुआ। ओके अरे रे साइकिक अटैक, बट ग्रास टाइप के अगेंस्ट साइकिक सुपर इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट हमने इसको सुला दिया, कोई बात नहीं अभी हमारा चांस है गाइस, अभी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है।
में आ चुके हैं, और यहाँ पे स्कारमोरी है, जंगूस है, सेवाइपर है और एप्सोल है। ओके तो हम लोग बात करते हैं हेनरी से। स्कारमोरी यू स्टील विंग है नहीं, हेनरी गो ऑन, वी विल होल्ड ऑफ देम। ओके तो अभी मेरे वो साइड में एप्सोल ये था ना, पायस था आई थिंक। तो गाइस यहाँ पे ये क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। द थग्स हैव गॉन, आई एम सो हैप्पी दैट द टावर वॉज अनहार्म। कौन बोला गया, कोई नहीं गया, सब यहाँ पे ही है। तो देखता हूँ यहाँ पे एक बैटल आ सकती है। अरे यार यहाँ पे पोकेमोन भी है तो हमें मैक्स रिपेल यूज़ करना पड़ेगा। वो कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। अभी 38 लेवल का है, कोई बात नहीं। मैक्स रिपेल किधर गया, 17 है हमारे पास तो ठीक है ना। तो गाइज हम लोग ट्राई करेंगे बैटल अवॉइड करने का। जी हाँ गाइज हम लोग ऐसे बैटल अवॉइड कर सकते हैं। ओके ये बात अच्छी है। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मैं कूद सकता हूँ। ओके लिटरली मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, तो मेरे को जाना कहाँ पे है। सामने एक बैटल है, इसको मैं देखता हूँ अवॉइड कर नहीं पाऊँगा। ओके तो यहाँ पे एक बैटल आ रही है, तो चलो करनी पड़ेगी। बड़ी वियर्ड बैटल थी गाइज। अभी हमें पोकेमोन हील करने पड़ेंगे। मोमो मिल्क किधर गया, हमारे पास मोमो मिल्क था ना। 12 है तो कोई बात नहीं, हील कर लेंगे। एक और यूज़ करूँ क्या, कि एक सुपर पोशन ठीक रहेगा। एक HP से हमने बचा लिया, कोई बात नहीं। यहाँ से आगे जाते हैं, मैं सही जा रहा हूँ भी वो भी नहीं मेरे को पता। यहाँ पे कितने सारे रास्ते हैं, यहाँ से जाके देखते हैं। ओके यहाँ पे एक और बैटल आने वाली है, तो करनी पड़ेगी गाइज। तो चलो हमने जीत तो ली। और यहाँ पे एक बात अच्छी है, यहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते यहाँ से। ओके यहाँ से जा नहीं सकते, तो रिटर्न वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके देखते हैं, और यहाँ पे ये यहाँ से भी नहीं जा सकते। ओके तो हमें यहाँ से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, यहाँ पे एस्केप रोप पे लिए। ओके यहाँ से भी नहीं जा सकते, यहाँ से भी नहीं जा सकते। इसके साथ तो मैं बैटल नहीं करना चाहता, तो उस साइड देखो मिस प्लीज। अब ये उस साइड देख रही है, रुको रुको रुको, हम लोग इसको ट्रिक करेंगे फिर से, नहीं कर पाए। ओके तो यहाँ पे बैटल है, तो करनी पड़ेगी। तो
तो एटलीस्ट हमने इसको हरा दिया, तो अभी इससे छुप के जाने की ज़रूरत नहीं, और यहीं पे जाना है आई थिंक गाइस हमें। यहीं पे जाना था ना, यहाँ से यहाँ जाते हैं, नहीं यहाँ से तो जा नहीं सकते, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बराबर यहाँ पे हम लोग कभी गए ही नहीं थे। और फिर एक दूसरी जगह है जहाँ पे एक क्या फालतू गिरी है। चलो एक और बैटल आने वाली है तो करते हैं। काफ़ी बड़ी बैटल थी गाइज, और हमने जीत तो ली। अभी हील कर लेते थोड़े पोकेमोन को मोमोमिल से, क्योंकि आगे कोई ना कोई बड़ी बैटल तो आने वाली होगी, मैं ऐसा गैस कर सकता हूँ, क्योंकि रेजिना तो होगी ना ऊपर। और यहाँ पे एक बार गेम सेव कर लेते हैं। और यहाँ से जाना कहाँ से है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, शायद से यहीं से जाना होगा। ये क्या अजीब है। ओके यहाँ से जाके देखते हैं। अभी हम लोग टेलीपोर्टर सिस्टम के यहाँ पे आ चुके हैं। ओके यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे एक पोके बॉल है, शाइनी स्टोन। अरे बैग ही फुल है मेरी, क्या करे, बैग बैग बैग। ये किसी को दे देते हैं। टाइप फॉर एलिगेटर, मिस्टिक वाटर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। ओके ब्लैंक सीढ़ी, एस्केप रोक तो होनी चाहिए अपने पास। क्या करूँ, कोई एक आइटम है क्या ऐसा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। टाइफलोजन पीपी, हाँ अब शायद से मेरी बैग नहीं, फाउंड साइन स्टोन। ओके ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और बैटल आने वाली है, तो चलो करते हैं। ओके तो गाइस काफ़ी बड़ी बैटल थी, और हमारा पोकेमॉन पॉइजन भी है, तो फुल हील है हमारे पास। हाँ है, तो उससे हील कर लेंगे। यार इसको थोड़ी हील करना है क्या यार, ओमकार ऐसे कैसे चलेगा। ओके तो इसको हील कर लिया हम लोगों ने, और अभी कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके देखते हैं। अभी हम लोग कहीं तो बीच में आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग उड़ तो नहीं जा सकते ना। नहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे तो सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे आने का फिर तो कोई। आगे जाके देखते हैं क्या है फिर। यार रिपेल ख़त्म, अभी रिपेल तो था मैंने देखा था। हाँ ये रहा, तो अभी यहाँ पे जहाँ जाना था तो किधर जाना था, यहाँ पे। ये तो रिटर्न विद उसी जगह पे आ गए हम लोग। ओके यहाँ पे एक सीढ़ी भी है। नहीं 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 यहाँ से तो नहीं जा सकते हम लोग। एक मिनट, आई थिंक यहाँ से जाना ही नहीं है। हम लोग यहाँ से जाके देखते हैं, यहाँ पे एक बैटल है तो करनी पड़ेगी। यार कितनी बड़ी बड़ी बैटल्स होती जा रही है यहाँ पे। मेरा पोकेमॉन फोकट में फेंड कर देते हैं। अभी रिवाइव किधर गया, मैंने देखा था, खरीदा भी तो था। फिर एलिगेटर को रिवाइव कर लेते हैं और हील कर, एक उसको ये दे देंगे हम लोग मोमो मिल, ज़्यादा ये नहीं चाहिए ना। और एक में ही उसके देखो कितनी हेल्थ बढ़ गई, इसको कहते हैं अच्छा पोकेमोन। नहीं तो होते कुछ अच्छे अच्छे पोकेमोन। यहाँ से जाके देखते हैं। अबे ये क्या है बे, हम लोग तो रिटर्न आ गए क्या गाइज। ये रिटर्न है, एक मिनट मैंने सेव किया था गाइज। अच्छा हुआ मैं आपको बताता हूँ, रिटर्न आ गया मैं, ये बात अच्छी बात है। बट यहाँ से अगर जाओगे तो सीधा स्टार्टिंग में टेलीपोर्ट हो जाओगे। ओके पहले यहाँ पे जाके देखते हैं ये क्या है। अच्छा ये तो वही जगह है, एक मिनट समझ गया मैं, तो सही रास्ता यहाँ से है गाइज।
यहाँ से आपको आगे जाना है, यहाँ पे एक और बैटल है, तो चलो करते हैं। तो गाइज यार हमारा पोकेमॉन फिर से फेल्ड हो गया, फेंट हो गया मतलब। एक मिनट यार, मेरी पीठ में दर्द हो गया, इतना टाइम से खेल रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है। होने वाला है क्या? हो ही चुका है। किधर गया रिवाइव? यार मैं किसको भी रिवाइव ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो एक और मोमो मिल दे देते दे और फिर हो जाएगा अपना काम। मोमो मिल खरीदना चाहिए, रिटर्न जाएंगे हम लोग वहाँ पे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे गाइज एक बार गेम सेव कर लेते हैं और चलो आगे जाते हैं। ऐसे टाइम टू टाइम गेम सेव करना अच्छी बात होती है। अभी शायद से हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे एक और है तो यहाँ से जाके देखते हैं, फिर यहाँ पे, और रिटर्न वहीं पे आ चुके हैं गाइज। तो अच्छा हुआ मैंने सेव करके रखा था। ऐसा सेव करते हुए जाना क्योंकि यहाँ पे कभी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे एक पोके बॉल भी है, मैंने लास्ट टाइम इग्नोर कर दी थी तो अभी मेरे को याद है। और यहीं से जाना है शायद से। तो गाइज यहाँ पे ये आपको सीढ़ी लेनी है, याद रखना। और हम लोग आ चुके हैं बेल टावर में, तो यहाँ पे गेम सेव कर लेता हूँ। और अगर बैटल होने वाली है तो सही से, हाँ सब पोकेमॉन तो है। एक बार थोड़ा हील कर लेता हूँ दोनों को सुपर पोशन से, पिकाचू और इसको। मैं नहीं चाहता बैटल के टाइम ये दोनों हेल्थ कम होने के कारण फेंट हो जाए, ये नहीं चाहता मैं गाइज। हाँ तो अब सही है हमारे पोकेमॉन, तो चलो बैटल करते हैं। रेजिना बोल रही है टू रिप्रेजेंट द लाइटिंग दैट स्टक टू द टावर द थंडर ऑर, टू रिप्रेजेंट द फ्लेम्स दैट एनगल्फ द टावर द वोल्केनो ऑर, टू रिप्रेजेंट द रेन दैट एक्सटिंग्विश द ब्लेज द ऑरोरा ऑर। ओके तो इसने तीनों ऑर्ब लगा दिए। आई हैव अरेंज द ऑर्ब्स एज द लेजेंड से, कम ऑन हो हो। अच्छा तो ये हो हो को पकड़ने की ट्राई कर रही है। ओके और हो हो आ भी गया। आई हैव हेडेड योर कॉल रेजिना, बट आई हैव सीन इन टू योर हार्ट एंड आई नो इट इज नॉट प्योर। रिटर्न द ऑर्ब्स एंड लीव इन पीस, डोंट टेल मी वॉट टू डू, द ऑर्ब्स हैव बीन अरेंज सो नाउ यू बिलोंग टू मी। ओके तो यहाँ पे हम लोग की हो के साथ बैटल होने वाली है सीधा, जो कि लेवल 50 का है। ओके तो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एप्सोल तो है ही नहीं हमारे पास। कहाँ से आया एप्सोल, क्या है ये हम एप्सोल के थ्रू क्यों लड़ रहे हैं गाइस? मेरे को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो लड़ भी नहीं रहा हूँ, ये तो मतलब खुद ब खुद हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ गाइस, पहले ही बता रहा हूँ। ओके तो लिटरली वो एप्सोल मतलब जो हमारे स्टार्टिंग पोकेमॉन फायर रेड में दिखाते हैं ना कि अभी मतलब जो अगर आपको याद रहेगा ना कि पोकेमॉन फायर रेड में जो एक अंकल रहते हैं बुढ़े जो हमें सिखाते पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं, ये वहाँ पे एक विडल होता है। यहाँ पे लिटरली पोकेबॉल से हो को पकड़ने वाली है। अगर इसने ये पकड़ लिया ना गाइस तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अंकल तो एक 5 लेवल के विडल को पकड़ते और ये 50 लेवल की हो को पकड़ लिया। ओके क्या मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। आई हैव डन इट, आई रियली कैप्चर्ड हो एंड नाउ दैट आई हैव इट्स टाइम टू डील विद अवर लिटिल स्पेक्टेटर। ओ यस आई न्यू यू आर वॉचिंग द होल टाइम, यू कैन स्प्रेड द स्टोरी ऑफ हाउ आई रेजिना कैप्चर ओ हो बट नॉट विदाउट अ लिटिल रिवेंज, यू कॉन्ट बीट मी विद द लेजेंडरी ऑन माई साइड। ओके तो अभी इसके पास हो भी आ चुके हैं इसके टीम में, तो इसके टीम में मेरे को जहाँ तक याद है सब लेचे पेचे पोकेमॉन थे। ओके तीन ही पोकेमॉन है तो इट्स नॉट अ बिग डील। पहला पोकेमॉन है हो हो, ऑब्वियस सी बात है। तो हो हो को हम लोग फायर टाइप से नहीं हरा सकते, ऑब्वियसली हम लोग फिर एलिगेटर लाएंगे क्योंकि एक फायर टाइप पोकेमॉन है जहाँ तक मुझे याद है।
विनोद कांट यूज द सेम मूव इन द रोड ड्यू टू टॉर्मेंट। ओके, तो टॉर्मेंट के थ्रू हम लोग एक सेम मूव नहीं कर सकते। ओके, ऐसा होता है वो, अभी पता चल गया मेरे को। फायर ब्लास्ट के सामने ये सर्वाइव कर लिया। ओके, फायर ब्लास्ट सर्वाइव कर लिया, मानना पड़ेगा बच्चे में दम है। ड्रैगन क्लॉ देके खत्म नहीं यार, फुल रिस्टोर है इसके पास। ओके, देखते हैं ड्रैगन क्लॉ से कितना डैमेज पड़ेगा इससे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फ्लेम थ्रो एक और देंगे। आई डोंट थिंक अभी ये नहीं, फ्लेम थ्रो सर्वाइव कर लेगा, फायर ब्लास्ट सर्वाइव नहीं किया था ना। स्लैश, ओके, फ्यूचर साइट का अटैक भी पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, झेल लेंगे थोड़ा। अरे हाँ, ड्रैगन क्लॉ, विनोद ने हरा दिया रेजिना को, फ्यूजन बॉस रेजिना। ओके, इवन विद द लेजेंडरी बाय माय साइड आई स्टिल लॉस। या क्योंकि तू बुरी है और बुरे लोग हमेशा हारते। रेजिना, व्हाई मस्ट द फोर्सेस ऑफ गुड ऑलवेज डिफीट अस? और परहैप्स इट्स बिकॉज यू आर स्ट्रांग, यू आर नॉट द चैम्पियन ऑफ नथिंग। ओके, वो हेनरी और पायस आ गए। पायस, स्टॉप दिस एट वंस रेजिना, इट इज अगेंस्ट आर सी एस विल टू कैप्चर अ लेजेंडरी पोकेमॉन। इफ यू रिलीज हो, आई कैन लीड यू डाउन टू द पाथ ऑफ राइटियस, आई कैन टेक यू टू आर सी एस किंगडम। ओके, आई कॉन्ट डू दैट इवन फॉर यू पायस। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आई एम डिसबैंडिंग टीम फ्यूजन, आई हेट लगिंग देम अराउंड एवरीवेयर, आई विल ट्रेवल अ लोन। हो, यूज फ्लाई। ओके, पायस बोल रहा है, दिस इज नॉट लास्ट टाइम आई हैव सीन रेजिना, आई विल सर्च फॉर हर नो मैटर वॉट। इफ शी रिफ्यूजेज टू रिटर्न टू द राइट पाथ, आई विल फोर्स हर ऑन टू इट माई सेल्फ, हाउ एवर आई कैन। नॉकटॉल यूज फ्लाई। ओके, ये लोग जबरदस्ती क्यों कर रहा है पायस? ये लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है पायस। हेनरी, वेल आई सपोज दिस इजेंट द एंड ऑफ आवर सर्च, इज इट? ओमकार रिटर्न, ओमकार रिटर्न टू योर क्वेस्ट फॉर द बैजेस। ओके, आई विल फाइंड माई मदर इन द मीन टाइम, यू हैव डन मोर देन आई कुड एवर डिजर्व, आई होप आई कैन मेक इट अप टू यू समडे, बट फॉर नाउ टेक केयर एंड एन्जॉय यूर सेल्फ। तो आई थिंक आई गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही था। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एस्केप रोक जो हमें मिली थी, तो आई थिंक एंड में ही होने वाली है। तो अभी रुको, गेम वीडियो छोड़ के मत जाओ। एस्केप रोक यूज़ करेंगे और आई थिंक अभी हम लोग गाइज वो क्लियर से हम लोग अभी बैटल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीधा यहाँ से बाहर निकलेंगे पहले तो। और गाइज अगर आज का एपिसोड बहुत बड़ा था, तो अगर आपने इस एपिसोड को पूरा देखा तो मैं आपसे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और हम लोग आज के एपिसोड में यार रिपेल क्या टाइम पे ख़त्म हुआ, एक बार पोकेमॉन हील कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है हर बार एपिसोड एंड करने के पहले पोकेमॉन हील कर लेता हूँ मैं। तो देख लो यार, प्लीज़ वॉच टाइम चाहिए अपने को। तो गाइज पोकेमॉन तो हील हो चुके हैं इसी के साथ साथ, तो आई होप अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे क्लियर को बैटल करने के लिए, और देखेंगे थोड़ा ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा तो कर लेंगे। तो आई होप अपने एपिसोड पूरा देखा, एंजॉय किया, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एंड सायोनारा।